दीपक चाहर एंड राहुल चाहर दोनों टीम इंडिया में पहुंच गए हैं, क्या मजेदार ये कहानी है। हैशटैग आकाशवाणी। और आप ये सब सोच रहे होंगे ना कि अभी जब ये हमने वनडे T20 टीम का हमने रिव्यू किया और हमने ये दो खिलाड़ियों की बात ही नहीं की बिल्कुल भी। अरे भाई क्यों, क्योंकि राहुल चाहर का नाम तो अभी अभी आया है, पहली बार आया है। वहां पे वॉशिंगटन सुंदर भी जरूर है, वहां पे चहल और कुलदीप नहीं है, तो वो सिर्फ वनडे क्रिकेट के लिए रखे गए हैं। T20 फॉर्मेट में सेलेक्टर्स ने कुछ अलग सोचना शुरू किया है। वहां कृणाल पंड्या का नाम भी आता है, वहां पे राहुल चाहर का नाम भी आता है, वहां दीपक चाहर का नाम भी आता है। और मैं बात करने वाला हूँ चाहर ब्रदर्स की, क्योंकि इनको मैं बड़े बड़े करीब से जानता हूँ। इनफैक्ट दीपक चाहर की तो ये भी कहानी है कि ग्रेग चैपल थे RCA जो राजस्थान क्रिकेट अकेडमी के वो डायरेक्टर थे, और उन्होंने बोला था दीपक चाहर को दैट यू गुड फॉर नथिंग, आप रहने दीजिए, आप क्रिकेट ही मत खेलिए क्योंकि आपका कुछ होने वाला है ही नहीं। तो दिल टूट गया था, छोटा सा बच्चा था उस समय, तो घर चले गए। ऑब्वियसली वहां पे आप क्या करेंगे अगर आरसी के डायरेक्टर ने, ग्रेग चैपल जैसे बड़े इंसान ने कह दिया कि आपके बस की कुछ नहीं है, तो घर जाओ, तो घर चले गए। लेकिन अब खेलते रहे, मेहनत करते रहे। और इनकी कहानी इसलिए भी बड़ी मजेदार है कि इनके पिताजी ने वो एयरफोर्स में काम करते थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया अपना, सिर्फ अपने बच्चे को क्रिकेट खिलाने के लिए। वो जहां पर पोस्टेड थे, जहां मुश्किल होती थी, वहां खुद पिच को रोल करते थे, फिर अपनी नौकरी भी छोड़ दी, फिर उधार भी ले लिया, और उसके बाद जाके दीपक चाहर मतलब IPL खेला, फिर इंडिया खेला। मतलब कितनी बढ़िया ये कहानी है, मजेदार ये कहानी है। थम्स अप फॉर हिम। और उनका छोटा भाई, उनको मैंने पहली बार देखा राजस्थान में, वहाँ पे वो जो RC अकेडमी में हम बैठते थे, और बिकॉज़ आई प्लेड फॉर राजस्थान अ कपल ऑफ इयर्स, तो वहाँ पे छोटा सा बच्चा था, आता था 15-16 साल का, 17 साल का, ही लेग स्पिनर बैट्समैन है। और दीपक कहता था ये बड़ा अच्छा, और टू बी वेरी ऑनेस्ट सपोर्टेड, मुझे क्या लगता है कि अगर दोनों को आप कंपेयर करेंगे, तुलना ऐसे करनी नहीं चाहिए, दोनों के स्किल्स भी अलग है, एक स्पिनर है, एक फास्ट बॉलर है, एक बैट्समैन है। बैटिंग खैर दीपक बेटर करते हैं राहुल से, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल का भविष्य जो ज्यादा उज्जवल नजर आता है मुझे, क्योंकि उनके पास ना वो एक तो वो जिप है एयर में, और T20 क्रिकेट में लेग स्पिनर बहुत कमाल करते हैं, तो उनका मुझे भविष्य जो है बहुत उज्जवल नजर आता है। ऐसा नहीं कि दीपक अच्छा नहीं करेंगे, पर दीपक माइट जस्ट बी 50-50 इन अ सेंस, क्योंकि वो अगर पुरानी गेंद से गेंदबाजी अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा, देयर विल ऑलवेज बी अ क्वेश्चन मार्क। और वनडे T20 में जो आता है खिलाड़ी ना, उसका 50-50 रहता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आपको मौका ज्यादा मिलता है, वो टेस्ट क्रिकेट जैसा वो बॉलर है, लेकिन वहाँ मौका उनको मिलने वाला है नहीं। अभी पुरानी गेंद से गेंदबाजी कैसी करेंगे, अभी हम सब देखना चाहते हैं। राहुल चाहर वंडरफुल स्टोरी। और ये दोनों भाई फिर इकट्ठा खेलना शुरू किए, भाई नहीं है एक्चुअली, चाचा के बेटे हैं राहुल, दीपक जो है वो बड़ा भाई या कहें बड़े भाई का बेटा है। और फिर आगरा में इन्होंने अपनी अकेडमी बना दी, अपना ग्राउंड बना दिया, अपनी पिच बना दी, और वहाँ बहुत प्रैक्टिस करते हैं, और दोनों अब खेल रहे हैं भारत के लिए। इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि दो भाइयों का सपना था वो पूरा हुआ, चाहे वो दो पापा हों या दोनों मतलब पिताजी हों दो बच्चों के, और दो बच्चे, दो भाई, एक का दीपक चाहर जो बड़ा था, एक राहुल चाहर जो छोटा था, अब दोनों भारतीय टीम का हिस्सा बनेंगे वेस्टइंडीज। तो हम दोनों को कर रहे हैं बहुत सारा विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, बहुत अच्छा आप करके, और भारतीय टीम को भी जिताओ, और अपने देश का, अपने परिवार का नाम आप रोशन करें, ऐसा हम सबका अब हम सबकी दुआएं हैं। तो चलिए भाई, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आकाशवाणी, ये शूट कौन कर रहा है? अगर कैमरा थोड़ा हिला हो ना तो याद रखना, ये शूट कर रही है मेरी 6 साल की बेटी, मतलब 6 साल की मेरी बेटी इज ऑल्सो वर्किंग हार्ड टू गेट आकाशवाणी टू यू, एंड वी आर एन इंटरलॉकर, बिल्कुल जगह है।